प्रदेश में चुनाव है, क्या लग रहा है इस बार, माहौल क्या बन रहा है? माहौल बीजेपी का है और बीजेपी ही जीतेगी। नहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में शुरू से ही चुनाव मुद्दों पे नहीं लड़ा गया, यहाँ इश्यूज बेस कभी चुनाव नहीं हुआ, यहाँ तो कास्ट बेस्ड चुनाव होता है। काम देखो, काम गरीब जनता के लिए प्रति काम अच्छा हो रहा है तो सरकार मोदी की आनी चाहिए। एक जीवन शैली जो हम भूल गए थे, यहाँ एक डर और दहशत का माहौल था, दिन में भी निकलना भारी था, रात की तो बहुत मुश्किल बात थी। तो योगी जी के नाम पे ही ये इलेक्शन है। अब ठीक है, कोई किसी कोई दिक्कत नहीं है, ना गुंडागर्दी ना कुछ, सब खुशहाल है। खुश है बिल्कुल, पीछे से विधायक को नहीं दे रहे, सीधे योगी को दे रहे सब। आप देख रहे हैं TNB। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB, मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव की कड़ी में TNB की टीम मुजफ्फरनगर में पहुंच चुकी है, जनता के बीच, जनता से जानने कि आखिर उनकी पसंद क्या है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, किसे वह आगे जो है किसकी सरकार चुनने का फैसला वो करते हैं, क्या उनकी पसंद है, क्या कुछ मुद्दे अहम वो बताते हैं हमें, इन सब बातों को लेकर, इन सभी प्रश्नों को लेकर हम जनता के बीच में खड़े हैं। जनता से जानेंगे कि आखिर उनकी क्या राय है। मुजफ्फरनगर सीट अपने आप में ही एक अहम सीट है, ये संसदीय क्षेत्र भी है और इस संसदीय क्षेत्र पर जो है वो बीजेपी का कब्जा है। खैर, देखते हैं कि अब जब इलेक्शन के रिजल्ट सामने आएंगे तो उनमें क्या नतीजे निकल के आते हैं। फिलहाल हमारे साथ कुछ लोग इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है किस तरफ ज़्यादा झुकाव जो है वो देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में तो योगी मोदी दो ही नाम हैं जिनके ऊपर इलेक्शन होना है। योगी जी का 5 साल का जो कार्यकाल है उसमें उत्तर प्रदेश ने क्राइम ख़त्म हुआ है, एक माहौल मिला है, अच्छी सड़कें मिली हैं, एक जीवन शैली जो हम भूल गए थे, यहाँ एक डर और दहशत का माहौल था, दिन में भी निकलना भारी था, रात की तो बहुत मुश्किल बात थी। तो योगी जी के नाम पे ही ये इलेक्शन है और उनके सुशासन को देखते हुए ज़्यादातर जनता योगी जी के लिए ही काम कर रही है। क्या अंकल लग रहा है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, मुजफ्फरनगर में जो है टक्कर होगी दो पार्टियों के, या जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं या जो मौजूदा विधायक हैं उनको टिकट दिया गया है फिर से, अब वो अपनी सीट दोबारा वापस निकाल पाएंगे? देखिए, इसके बारे में जब इलेक्शन होता है तो संघर्ष तो होता ही है जी। पर यह है, यहाँ यूपी में योगी जी के करे हुए काम अच्छे हैं और हम आशा करते हैं कि वही दोबारा आएंगे। तो क्या लग रहा है, किससे इस बार जो है आमना सामना देखने को मिल रहा है, कौन इस वक्त मुकाबले में है योगी जी के? बस गठबंधन और योगी जी दो हैं। बाकी और कोई तीसरा नहीं, क्योंकि इस वक्त तो जो है मुजफ्फरनगर में जैसे जो वो चंद्रशेखर रावण हैं उन्होंने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं और भी कई पार्टियां हैं, तो क्या लगता है? हाँ देखिए, जितनी पार्टियां हैं अपने कैंडिडेट तो उतारेंगे ही सभी, पर जो मेन फाइट है वो योगी जी और सपा गठबंधन में है जी। कुछ और साथी हैं, उनसे बात करते हैं। अंकल जी, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में कौन आ रहा है? अभी तक के अनुसार तो भाजपा आ रही है और नंबर दो पर गठबंधन है, बाकी सब अपने अपने थोड़े थोड़े वोट कठुआ हैं, कोई पार्टी नहीं है। कोई पार्टी नहीं, नहीं, नहीं तो क्या कुछ मुद्दे अहम हैं इस बार के? हाँ, लैंड ऑर्डर है जो बहुत अच्छा पहले मेंटेन हुआ और ऐसा लगता है इससे भी अच्छा होगा आगे, क्योंकि जनता इससे आश्वस्त है कि आने वाले समय में केवल योगी जी ही से मेंटेन कर सकते हैं और कोई लगता नहीं। और माननीय मुलायम सिंह जी वगैरह का जो शासन रहा उसमें जितना उत्पीड़न लोगों का हुआ तो उस उत्पीड़न की वजह से लोग उनके खिलाफ हैं। क्या लग रहा है अंकल, कितनी सीटें इस बार बीजेपी निकाल लेगी? जो लहर है उस हिसाब से तो पिछले बार से ज़्यादा सीटें इस बार आनी चाहिए, क्योंकि उनका सुशासन, बिजली जैसे अगर बात करें, हम मुजफ्फरनगर में बिजली आती ही नहीं थी, जितनी जाती थी अब उससे ज़्यादा आती है। अब तो ऐसे ही गैस है घर के लिए, गैस के लाइनें लगती थी, आज वो घर पे बुला आ के हमें सिलेंडर दे के जाते हैं। ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हैं और सबसे बड़ा जो जैसे मुजफ्फरनगर की अगर स्पेशली बात करें तो क्राइम कैपिटल के नाम से जाना जाता था आज से 5 साल पहले 6 साल पहले, आज क्राइम जैसी चीज़ कोई आसपास भी यहाँ नहीं है। मुजफ्फरनगर आने से लोग डरते थे, आज मुजफ्फरनगर में रात में 11 बजे 12 बजे 1 बजे भी हम अगर कहीं जाएं तो हमें कोई डर नहीं है। तो एक बहुत बड़ी बात है कि जो मुजफ्फरनगर की इमेज सुधरी है इस वजह से। अंकल, अगर हम
ज़मीनी स्तर के मुद्दों की, क्षेत्रीय मुद्दों की अगर हम बात करें तो क्या कुछ काम हुए हैं यहाँ पर? हाँ, 5 साल में काफ़ी काम हुए हैं, जैसे सड़कों के हुआ, लाइट का हुआ और अपराध का हुआ, अपराध भी बहुत कम हुए हैं। तो उसी स्थिति को देखकर भाजपा की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। यूपी में चुनाव है, माहौल क्या लग रहा है इस बार? माहौल अच्छा है और लोगों में उत्साह है चुनाव के प्रति, लोग वोटिंग करना चाहते हैं। क्या लग रहा है, किस पार्टी की तरफ झुकाव ज़्यादा दिखाई दे रहा है? बेसिकली मैं इधर की बात करूं तो कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर के लोग पॉजिटिव हैं, विशेष रूप से लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था में लोग पॉजिटिव हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को लेकर लोग पॉजिटिव हैं, और कुल मिलाकर के बच्चियों की जो सुरक्षा है, महिलाओं की सुरक्षा है, वो भी एक पॉजिटिव प्रश्न है। तो मुझे लगता है कि मोस्ट प्रॉब्ली यदि पार्टी डिवोटेड वोट नहीं है तो, यदि किसी की किसी में आस्था है पार्टी के हिसाब से तो अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कि माहौल जो वर्तमान में सरकार है लोग उसके समर्थन में जाना चाहेंगे। तो इस वक्त मतलब क्या लग रहा है, कौन अगर जो जैसे आप कह रहे हैं कि माहौल जिस तरफ झुक रहा है उसे कोई टक्कर दे पाएगा इस वक्त? लग रहा है कोई टक्कर में है? नहीं, देखिए उत्तर प्रदेश में शुरू से ही चुनाव मुद्दों पर नहीं लड़ा गया, यहाँ इश्यूज बेस्ड कभी चुनाव नहीं हुआ, यहाँ तो कास्ट बेस्ड चुनाव होता है। इक्वेशंस जो बेहतर बना के ले जाएगा वो अलग बात है, लेकिन जो न्यूट्रल वोट है, जो किसी पार्टी में जिसकी आस्था नहीं है, वो मुझे लगता है वर्तमान सरकार को रखना चाहेंगे जी। तो अगर मुजफ्फरनगर की बात करें हम, तो क्या कुछ यहाँ पे मुद्दे हैं इस वक्त जो हो गए हैं काम में या फिर अधूरे हैं या होने चाहिए? मुझे लगता है कि जो बहुत सारी डिमांड एक आम पब्लिक की थी वो लिस्ट लगभग पूरी हो चुकी है, और सिर्फ दो ही मुद्दे ऐसे हैं जिनके ऊपर एक आम जन चाहता है, एक जनसंख्या नियंत्रण उसके ऊपर आए, और कॉमन सिविल कोड, दो ऐसे मुद्दे हैं जिनकी अपेक्षा है। बाकी जितने भी मुद्दे थे, मान लीजिए राम मंदिर का मुद्दा था तो अब प्राय समाप्त हो गया है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन ही रहा है, 370 का बहुत पुराना मुद्दा था वो पूरा हो गया है, लॉ एंड ऑर्डर है, इवन एजुकेशन में मैं बात करूँ क्योंकि मैं एजुकेशन फील्ड में भी काम करता हूँ, तो नकल विहीन परीक्षाएं स्वाभाविक रूप से हुई हैं। अभी आप देखिए कि पहले सिर्फ ईस्टर्न यूपी के लोग ही टॉपर होते थे, इस बार बागपत की बच्ची ने टॉप किया है। तो कुल मिला के एजुकेशन का भी, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़े मुद्दे अब कुछ रह गए हैं। हाँ, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो हमेशा रहेंगे, जैसे किसान का मुद्दा है, तो मैं लगभग 78 से इस ट्रेड में हूँ, तो कभी भी किसान के मुद्दे हमेशा ही वो ज्वलंत रहेंगे, कुछ व्यापारियों के मुद्दे हैं वो हमेशा ज्वलंत रहेंगे, वो बने भी रहेंगे। जैसे इनकम टैक्स की मैं बात करूँ, व्यापारिक मुद्दे की मैं बात करूँ, तो अब बहुत सारी सुविधाएँ सिर्फ 0.3% केसेज अब स्क्रूटनी में आ रहे हैं, नहीं तो पहले तो हम लोगों को हर साल अपना असेसमेंट करवाना पड़ता था, करप्शन कम हुआ है उसके अंदर क्योंकि फेस टू फेस अब असेसमेंट नहीं होते हैं। हाँ, तो मतलब ये सब मुद्दे जो अगर जो आपने बताए इनको देखा जाए, वहीं दूसरी तरफ अगर हम जैसे बात करें, जैसे किसान है, अभी हाल ही में धरना भी हुआ था, तो क्या लगता है कि किसानों का वोट इस बार डिवाइड होगा कहीं? नहीं, किसानों का वोट नहीं कह सकते आप उसको, वो कास्ट बेस्ड वोट ही होगा। जैसे पहले मैंने कहा कि वो कास्ट बेस्ड और मूवमेंट था, मुझे नहीं लगता कि उन 3 बिलों से किसानों को कोई भी किसी भी तरह का नुकसान होने वाला था, क्योंकि वो सारे के सारे बिल ऐच्छिक थे, आप चाहें तो उन्हें माने चाहें तो उन्हें ना माने, वो कोई कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन वो एक पॉलिटिकल इशू था। मुझे लगता है कि किसान बिल वापस हो जाने से जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है वो 50 साल पीछे जाएगी। तो अगर कुल मिला के कहें तो इस बार यूपी में किसका मतलब पलड़ा जो है वो भारी लग रहा है, कौन सा? मैंने कहा ना, इस बार जो एक आम वोटर है उसकी चिंता ये है कि यदि ये सरकार बदल जाती है तो जो उससे विकल्प में सरकार आने वाली है उससे वो डर रहा है। ऐसा पहली दफ़ा चुनाव में हो रहा है कि किसी सरकार के बदलाव में जो सरकार आने वाली है उससे वोटर डरता हो, इसलिए वो उन्होंने अपने को मानसिक रूप से तैयार किया है कि वो किसके साथ जाने वाले हैं। और मोस्ट प्रॉब्ली मुझे ऐसा लगता है कि यदि किसी मतदाता की किसी पार्टी के साथ प्रतिबद्धता नहीं है तो वो वर्तमान सरकार को स्थायी रखना चाहेगा। क्या लग रहा है इस बार मोदी जी और योगी जी, बीजेपी जी? बीजेपी, हाँ जी। क्यों बीजेपी ही क्यों? बीजेपी इसलिए मैडम कि जो यहाँ पर है गुंडा राज खत्म हुआ है, सब काम हो रहे हैं,
सबको फ्री अनाज मिल रहा है, सिलेंडर मिल रहे हैं, शौचालय बनवाए हैं, जो काम नहीं पिछली सरकार ने किया वो सब काम बीजेपी सरकार करा रही है और आगे भी हमेशा कराती रहेगी। तो क्या लग रहा है, किसकी टक्कर दिख रही है हमें यहाँ पर? तो कपिल देव अग्रवाल जीतेंगे। कपिल देव अग्रवाल जी अंकल जी, क्या लग रहा है कौन जीत सकता है ये बीजेपी गवर्नमेंट? बीजेपी क्यों, बीजेपी क्यों आने चाहिए? बस काम भी अच्छा किया है और भयमुक्त सरकार है। अच्छा, हाँ तो क्या मतलब लग रहा है, अगर मुजफ्फरनगर की बात करें तो कितना काम हुआ है यहाँ पर? यहाँ काफ़ी काम हो गया, सड़कें हैं, बाकी हर जगह बहुत अच्छा काम हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई टक्कर में है बीजेपी की अभी? नहीं, हम तो समझते नहीं जी। जी भैया, क्या लग रहा है कौन आ सकता है मुजफ्फरनगर से? हमारे इस क्षेत्र में तो केवल कपिल देव अग्रवाल ही हैं, दूसरा तो कोई सामने दिखाई नहीं दे रहा है। टक्कर में भी नहीं है कोई? टक्कर ही कैसी होगी जब कोई सामने है ही नहीं। कोई आपने देखा होगा, इतने सारे यहाँ पर फ्लैग्स लग रहे हैं, सब कपिल देव के ही हैं। आसपास में कहीं आपने देखा है कि नलका लग रहा हो या कहीं साइकिल लग रही हो? कोई है ही नहीं। किसी से ही बात करेंगे आप, हमेशा यही कहेगा बीजेपी। तो क्या लग रहा है मुजफ्फरनगर में, क्या कुछ मुद्दे हैं जो इस वक्त इस बार? सारे ही मुद्दे अच्छे हुए हैं यहाँ पर, सब कुछ हल हुआ है सबका। आप देखें रास्ते में कोई दिक्कत नहीं आती कभी चलते हुए, कोई सड़क में गलती नहीं है जी। हर तरह से सुरक्षित है आदमी यहाँ पर जी। तो आगे चल के जैसे मान लीजिए अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो फिर क्या कुछ और काम है जो नहीं हुए हैं या अधूरे हैं जो होने चाहिए? देखो अभी तो बहुत सारे दो तीन काम तो हैं, जैसे कि दो बच्चों का कानून भी आना है जी। तो दो, एक तो वो पास हो जाएगा, उसके बाद में सड़कें काफ़ी अच्छी हो गई हैं, हर चीज़ काफ़ी अच्छी चल रही है। तो बीजेपी इस बार आ रही है? जी जी, बीजेपी ही आएगी, और कोई रास्ता नहीं है। अंकल, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या बन रहा है? माहौल बीजेपी का है और बीजेपी ही जीतेगी। बीजेपी ही जीतेगी। मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो? मुजफ्फरनगर, केवल मुजफ्फरनगर की बात करें तो कपिल देव का बहुत अच्छा वो है। यहाँ के लोगों ने दंगा देखा हुआ है और सबके मन में ये बात है कि दंगा क्यों हुआ था, हमें तो असलियत पता है जी। हमारे सामने मंजिल सैनी का उसका एकदम तबादला हुआ था और सारे काम मतलब किसके करवाए हुए थे, आजम खान के या जिस जो भी थे उस समय सत्ता में जी। तो हम तो नहीं समझते कि किसी के मत में मुजफ्फरनगर के लोग भूलेंगे जी। हम तो ये चाहते हैं कि मुजफ्फरनगर के लोगों को याद रहे कि कौन कहाँ से स्टैंड कर रहा है, कौन कहाँ से बोल रहा है। हमने खुद अपने ऊपर भी भोग चुके हैं ये चीज़, सपा के गुंडों द्वारा, हिंदू गुंडों द्वारा, मुसलमान को नहीं कह रहा हूँ मैं, हिंदू गुंडों द्वारा हम खुद भोग चुके हैं। बहुत लंबी कहानी है, वो तो खैर बाद की बातें हैं, लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि बीजेपी ही जीतनी चाहिए और बीजेपी ही जीतेगी। तो अगर मुद्दे अगर हम देखें, आपने तो जैसे दंगों का मुद्दा एक रख दिया, ये तो है बड़ा मुद्दा है, ठीक है ये एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन अगर छोटे जमीनी स्तर के मुद्दों की अगर हम बात करें, जमीनी स्तर में ऐसा है कि ये जरूर थोड़ी सी गलती बीजेपी की है कि उन्होंने गैस गरीबों के लिए, चलो अमीर लोग तो 1000 का खरीद लेंगे, अमीर गरीबों के लिए उसके रेट थोड़े कम करने चाहिए थे उन्हें, तो ये तो आगे को सुधारना पड़ेगा। बिजली के रेट, ये दो तीन चीज़ें हैं, ऐसी बात नहीं है कि पब्लिक नहीं समझती, महंगाई कम करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी बीजेपी अपनी जगह बढ़िया स्टैंड करेगी, क्योंकि मेरे विचार में कोई भी सभ्य आदमी, मुसलमान भी, गुंडों का रानी, मुसलमानों को ऊपर सबसे ज़्यादा आक्रोश जभी हुआ था जब ये दंगे हुए थे, उसके अखिलेश के राज में जितने दंगे हुए, जितने मुसलमान मरे हैं वो आपको भी पता है और हमें भी पता है, उसके बाद से एक भी डेथ हुई है दंगेबाजी की, एक भी दंगा हुआ है, बच गया आप समझो। तो उत्तर प्रदेश में क्या कहेंगे, बीजेपी आ रही है? बीजेपी आ रही है, बीजेपी है 100%। मुजफ्फरनगर के टिकैत चौक पर इस वक्त हम मौजूद हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं टिकैत चौक है, बहुत बड़ा तो नहीं कह सकते लेकिन छोटा है टिकैत चौक। दरअसल ये नाम सुनकर आपके जहन में जो नाम आ रहा होगा राकेश टिकैत से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन हाँ इसे टिकैत चौक कह सकते हैं। कुछ साथी इस वक्त हमारे साथ हैं, उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे कि उन्हें क्या लगता है इस बार। अंकल क्या लग रहा है, यूपी में चुनाव है तो कौन आने वाला है? मोदी की सरकार ही आएगी भैया। हाँ, मोदी की सरकार आई, क्यों आनी चाहिए मोदी की सरकार? काम उन्होंने अच्छे करे हुए हैं। अच्छा, हाँ बताओ क्या कमी छोटी उन्होंने, क्या कुछ काम किए हैं भाई? गरीबों को देखो राशन मिला है, जिसके घर में चूल्हा नहीं था उनको चूल्हा मिला है, मकान जिसके पास नहीं थे उनको मकान मिला है, और क्या चाहिए भाई। अंकल क्या लग रहा है इस बार यूपी में कौन आएगा? मुझे लग रहा है मोदी आएंगे।
क्यों आने चाहिए? बस ठीक काम कर रहा है, ठीक चल रहा है बेचारा। अच्छा अच्छा काम कर रहा। मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो है जी भैया, मुजफ्फरनगर की बात बता रहे हैं हम भैया। मुजफ्फरनगर में काम हुए हैं बहुत हुए हैं। क्या लगता है कौन सी सरकार आएगी? यूपी की आएगी, योगी आएगा। योगी क्यों आने चाहिए? आने चाहिए, उन्होंने काम ऐसे ही करा है, क्रम ऐसा करा है जो आने चाहिए। आने चाहिए देश के लिए भी नहीं, हर बंदे के लिए करा है, मोमडन हो, हिंदू हो या कोई भी हो, सबके लिए करा है। एक भैया और हमारे साथ है, भैया क्या लग रहा है यूपी में कौन आएगा इस बार? यूपी में तो अब की बार 300 के पार जाएगी भारतीय जनता पार्टी। 300 के पार जाएगी? 300 के पार जाएगी। क्यों 300 के पार, इतना कॉन्फिडेंस? उसका कॉन्फिडेंस ये है कि उन्होंने दिलों पे राज करा लोगों के, काम करके उन्होंने लोगों के दिल जीते, तो इसलिए पूरी यूपी की मैं बात करूं 300 से ऊपर जाएगी। और यहां भारी भारी बहुमत के साथ मुजफ्फरनगर की 6 की 6 सीट जीतेगी। 6 की 6 सीटें पे बीजेपी का 100% जीतेगी, 100%। तो क्या कुछ मुद्दे अंकल इस बार रहेंगे? हाँ कुछ मुद्दे हैं, लॉ इन ऑर्डर का है, क्योंकि यहाँ बहन बेटियों की सुरक्षा और घर घर अनाज पहुँचाना, ये सब जो है मुद्दे रहेंगे। और काम भी हुए हैं, मुजफ्फरनगर की धरती तो वैसे ही यहाँ की राजनीति बड़ी वोट राजनीति रहती है, तो इसलिए कपिल देव अग्रवाल यहाँ से मंत्री है हमारे, तो उन्होंने बहुत काम करे, और जगह जगह जो है उज्ज्वला योजना है और हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, मतलब कुल मिला के बात यह है कि ठीक है बीजेपी। अंकल क्या लग रहा है इस बार यूपी में? योगी। योगी क्यों आएंगे? बदमाशी खत्म, बदमाशी खत्म, सुख शांति। एक महिला हमारे साथ है, उनसे जानते हैं। मुजफ्फरनगर में आप रहते हैं, क्या लगता है कितना काम हुआ है मुजफ्फरनगर? मुझे काम के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे? क्यों आएंगे? मोदी जी अच्छे हैं इसलिए आएंगे। महिला सुरक्षा के लिए? हाँ जी, महिला सुरक्षा हुई है। हाँ जी हुई है, पहले के मुकाबले अब ज्यादा हो रही है जी, हर जगह मोदी जी आएंगे। एक भैया हैं जो साइकिल चला रहे हैं। भैया साइकिल आप चला रहे हैं, लेकिन सरकार किसकी आएगी? सरकार मोदी की आएगी जी। मोदी की आएगी? हाँ जी। काम आने चाहिए, काम देखो, काम गरीब जनता के लिए प्रति काम अच्छा हो रहा है, तो सरकार मोदी की आनी चाहिए और आएगी। मुजफ्फरनगर में अगर बात करें तो हम मुजफ्फरनगर में भी देखो सरकार जो यहाँ के कैंडिडेट लड़ रहे हैं कपिल देव अग्रवाल, में भी जीतेंगे, वो भी जीतेंगे। हाँ जी, और मैं बल्कि चरतावल का हूँ, हमारे यहाँ से सपना कश्यप लड़ रही है, वो भी जीतेगी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कुछ मुद्दे हैं या फिर क्या कुछ काम है जो ये तो जो सरकार के जो चलते रहे काम में तो पूरे होंगे, काम अच्छा है और अच्छा ही करेंगे आम जनता के लिए, हमारे लिए देखो पब्लिक के लिए। तो यूपी में इस बार यूपी में भाजपा की सरकार आएगी। मुजफ्फरनगर में हम आए हैं चुनाव की चर्चा के लिए, जगह जगह है मुजफ्फरनगर में हम जा रहे हैं। इसी बीच आज हम आ गए हैं मुजफ्फरनगर के कुकड़ा में। कुछ लोग हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, बात करेंगे उनसे, जानेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश चुनाव में माहौल क्या बन रहा है, किसकी सरकार बनने जा रही है, या क्या लग रहा है किसके पक्ष में इस बार ज़्यादा वोट आने वाले हैं, या कौन सी पार्टी उनको इस बार टक्कर देने वाली है। अंकल क्या नाम है आपका? सुनहरा। क्या लग रहा है इस बार यूपी में कौन आएगा? भाई मुझे तो बीजेपी का लग रहा है। बीजेपी का लग रहा है, क्यों लग रहा है बीजेपी का? सही काम कर रही, ठीक काम कर रही। अच्छा और कोई पार्टी क्यों नहीं? हाँ नहीं, और पार्टी मुझे पसंद नहीं। अच्छा पसंद ही नहीं है? मुझे पसंद नहीं, जो पसंद है वही आएगी। हाँ जी, कुछ और साथी हैं उनसे बात करते हैं। भैया क्या लग रहा है कौन आएगी? बीजेपी। बीजेपी आएगी? क्यों आनी चाहिए बीजेपी? पक्का काम, मजदूर का साथ होया जी, किसी का नुकसान नहीं कर रही, जी। खाने को दे रही, नाच भी दे रही, ढोल बजा रही, नहीं मजदूर कहीं भी जा सकते हैं, बीजेपी इसलिए अच्छी है। भैया क्या लग रहा है कौन आएगा? बीजेपी आएगी जी। बीजेपी आएगी? क्यों आएगी बीजेपी? बीजेपी सही काम कर रही है। अच्छा। चोर बजारी नहीं है, कहीं छीन झपट्टी नहीं है, कोई मतलब की वो नहीं है। आप क्या काम करते हैं? मेरा भूस का व्यापार है। अच्छा, तो व्यापार में कोई दिक्कत आती ना है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, है। मुजफ्फरनगर। अच्छा, मुजफ्फरनगर की अगर हम बात करें तो काम हुए हैं यहाँ पर? हाँ काम हुए, ठीक हो रहे जी। अच्छा, अपना सुख शांति है, कोई गुंडा राज नहीं है, किसी की दाब दौंस नहीं है जी, इसलिए बीजेपी। हाँ लड़ाई झगड़ा नहीं है जी। भैया क्या लग रहा है कौन आएगा? बीजेपी आएगी। बीजेपी ही आएगी? क्यों आनी चाहिए बीजेपी? बीजेपी सुख शांति है जी, सबके साथ है, सबका विकास है और अपना सम्मान है सबका, और किसी के तो धोखाधड़ी नहीं है, कहीं चोरी डकैती नहीं है जी। कोई और पार्टी क्यों नहीं जी? सब में गुंडागर्दी थी जी, कभी पहले था, अब कहीं को निकल जाओ, कोई आदमी कहीं भी नहीं है कुछ भी।
कोई दिक्कत ही नहीं है जी किसी चीज की भी। भैया यूपी में चुनाव है, मुजफ्फरनगर में इस वक्त क्या माहौल दिख रहा है, क्या माहौल यूपी में बना हुआ है इस वक्त? हम तो जी गठबंधन को वोट देंगे। गठबंधन को? हाँ। क्यों गठबंधन? गठबंधन अच्छा है हमारे लिए, हमारी सुनेगा भी, हमारी करेगा भी। जी क्या कुछ किया है, क्योंकि यहाँ पे तो जितने भी लोगों से अभी तक पूछा है सब बीजेपी को ही वोट दे रहे हैं। भाई जी बीजेपी से बात करोगे आप, बीजेपी को ये बताओगे? वो तो कह रहे हैं हम विकास के मुद्दे पे, उन्होंने बहुत विकास किया है इसलिए। हाँ जी विकास तो तुम्हें भी दिख रहा होगा, बताओ कहाँ विकास दिख रहा। आप बताइए, हम आपसे पूछने आए हैं, अगर आपको शिकायत है तो क्या है, इसीलिए आप गठबंधन को वोट देंगे? सिस्टर शिक्षा और रोजगार पर बात करें जी, और सरकार जो है मंदिर मस्जिद पर बात करेगी तो फिर वोट कैसे मिल जाएगी? वोट तो नहीं मिलने वाली है जी। अगर सरकार जो है शिक्षा पर बात करे और जी व्यापार पर बात करे तो वोट मिल सकती है, नहीं तो मंदिर मस्जिद पर वोट नहीं मिलती, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो इसलिए इस बार आप गठबंधन? हाँ बिल्कुल, गठबंधन को वोट दें। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बननी चाहिए? उत्तर प्रदेश में मेरे हिसाब से साइकिल की सरकार आनी चाहिए दोबारा। और तो क्या कुछ काम होंगे अगर मान लीजिए अगर अखिलेश यादव की सरकार बन जाती है, क्या कुछ होना चाहिए? अगर अखिलेश की सरकार बनती है, अगर अच्छे काम करेगा तो अगली बार वोट देंगे, नहीं तो अगली बार भी वोट हम गठबंधन को फिर बिल्कुल नहीं देंगे। जो काम अच्छा करेगी उसे वोट देंगे, जो काम नहीं करेगी उसे वोट नहीं देंगे। मुजफ्फरनगर के शांति नगर भोपा रोड पर इस वक्त हम मौजूद हैं, मेरे साथ जनता है बात करने के लिए कि आखिर उत्तर प्रदेश का चुनावी मिजाज क्या है। बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि उनकी आखिर उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर क्या राय है, मुजफ्फरनगर में कितना काम जो है पार्टी ने किया है, या मुजफ्फरनगर में अब कौन आ सकता है। अंकल जी नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मांगेराम धीमान। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में माहौल इस वक्त क्या दिख रहा है? मुझे तो माहौल जो है भाजपा का ही लग रहा है। भाजपा का लग रहा है? क्यों भाजपा का माहौल लग रहा है? उन्होंने अच्छे काम करे, कारना में अच्छे हैं उनके, हमारे लिए जो है वे बहुत कुछ हैं जी। हाँ जैसे कुछ मैं जानना चाहूंगी। बोलिए आपको क्या जानना चाहूंगा इसके बाद? क्या कुछ काम जैसे आप बता रहे हैं, क्या कुछ काम जो भी कार्य करा गया है वो सभी लोगों के सामने है, सभी लोगों का आ रहा, जो जनता है कोविड के जो भी उन्होंने दवाई दी है, इंजेक्शन लगवाए वो फ्री दिए। अब जनता जब से भी मतलब जो है नाच बट रहा जनता को, वो जब से सब फ्री चल रहा है अब जा जी। तो जनता को और चाहिएगा थोड़ा गाना, जनता को ये तो चाहिए कि भाई हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। अब जिस पार्टी ने कुछ करा नहीं उसका हम क्या बता देंगे यहाँ। अंकल जी क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन सकती है? उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़िया बात है भाजपा की, बहुत बहुत ही बढ़िया माहौल चल रहा है। हाँ। तो बीजेपी आएगी इस बार? हाँ आएगी बिल्कुल। अंकल मुजफ्फरनगर की अगर हम बात करें, मुजफ्फरनगर में क्या लगता है कौन आएगा इस बार? भाजपा। भाजपा आएगी, क्यों आनी चाहिए? अच्छे काम करे, हाईवे बनवा रखे इतने, हर राशन भी मिल रहा है सब चीज है। और जमीनी स्तर के मुद्दों की अगर हम भैया बात करें तो कितना काम हुआ है मुजफ्फरनगर? बहुत काम हुआ है जी, बहुत ज्यादा काम हुआ है, इतना किसी पार्टी ने नहीं करा। और सबसे बड़ी बात है कोई दंगा नहीं किसी तरीके का हुआ, माहौल इतना बढ़िया, लोगों की धी बेटी जिस टाइम मर्जी लिगड़ के चली जाओ कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं है जी। किसी की चैन नहीं टूटती, घर के बाहर सुबह चैन टूट जाती वो बंद हो गया, बदमाश सारे छुपे पड़े, और इससे ज्यादा क्या चाहिए हमको। एरिया में शांति बनी हुई है, महिलाएं सुरक्षित हैं, बिल्कुल सुरक्षित है, कोई किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बार जो है यूपी में भाजपा आएगी। एक भैया और हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मुजफ्फरनगर की अगर हम बात करें, जमीनी मुद्दों की अगर हम बात करें, तो मैं पीछे ही देख रही हूँ नाली खुली हुई है, बच्चे घूम रहे हैं, डर रहता है गिरने का, क्या कहेंगे? नाली तो ये साफ करवा हुआ प्रधान कराता है जी, 3-4 फेरी कराता है महीने में जी। लेकिन वैसे अलग वोट की बात करूं, सपा के राज में 3 बार गायें खुली थी, 2 बार गाय, और अब गाय का गेट भी खुला हुआ है, मेरी सारी गायों का गेट खुला हुआ है, टूटा हुआ है, अब रुकता नहीं, कोई आके खोल लो जी। जी तो क्या माहौल इस वक्त जैसे मुजफ्फरनगर का आपने बताया, यूपी में क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी इस बार भारी लग रही है? बीजेपी आवेगी यूपी की, नहीं मैं अपने इंडिया की भी बता रहा हूँ, यहाँ की मुजफ्फरनगर की भी, मुजफ्फरनगर में भी और यूपी में भी बीजेपी बीजेपी आवेगी फिर से। क्यों कोई और पार्टी क्यों नहीं? काम नहीं है ना। अच्छा काम नहीं, बीजेपी को काम पे वोट दोगे इस बार? अगर कोविड ना आवे 2 साल तो ये पूंछ फाड़ लेते उसकी। भैया और हैं, उनसे बात करते हैं। भैया जैसे कि आपने कहा बीजेपी आनी चाहिए, तो
बीजेपी तो ठीक है, लेकिन कोई और पार्टी क्यों नहीं, क्योंकि तमाम वादे तो दूसरी पार्टियां भी कर रही हैं, दावे भी कर रही हैं। दावे करने हैं चीज, बीजेपी बढ़िया पार्टी है, सही काम करती है, जो सही काम करेगा वही पार्टी आवेगी। मुजफ्फरनगर के गांधीनगर रोड सब्जी मंडी में इस वक्त हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी जो है सब्जी मार्केट लगती है। इस समय जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव है, लेकिन उससे पहले जो है एक साल तक जो किसान बॉर्डरों पे था, मुद्दा फल सब्जी से ही जुड़ा था, किसानों से जुड़ा था। तो आज हम यहाँ आए हैं लोगों के बीच में, यहाँ पे कुछ सब्जी वाले बेचने वाले भी हैं तो कुछ किसान भी हो सकते हैं, लेकिन उनसे जानते हैं आखिर कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है उसको लेकर उनकी क्या राय है और क्या लग रहा है कि माहौल किस पार्टी के झुकाव में ज़्यादा है। बातचीत करते हैं भैया से। भैया, क्या लग रहा है इस बार यूपी में कौन आएगा? जी, हमें तो उम्मीद क्या 100% हमारा मोदी है, योगी है, और कौन आ सका है। सबसे पहली बात कि इनके इसमें शासन में, इनकी सरकार में क्राइम खत्म, यानी हमारी बहु बेटियाँ बहन आप जैसी भी सुरक्षित है, चीज पहनो या पैसा ले जाओ सब सुरक्षित है, यानी तो वह मोदी है। मोदी है भैया, क्या लग रहा है कौन आएगा? मोदी आएगा जी। मोदी आएगी, क्यों आने चाहिए? ये इसलिए आने चाहिए, अब से पहले तो किसी ने राशन भी दिया, अब राशन भी फ्री मिल रहा सब कुछ। भैया, क्या लग रहा है अंकल जी कौन आएंगे? योगी सरकार आने की उम्मीद है जी। क्यों, आप किसान हैं? तो जो इस टाइम, तो पहले काफी टाइम तक किसानों का मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ था, किसान सारे जो थे बीजेपी से नाराज थे। अभी नाराज नहीं, हम गरीब किसान हैं छोटे, इनसे हमें 2,000 रुपए कंफर्म भी मिले जी। हाँ जी, इससे पहले किसी सरकार से नहीं मिले जी। तो बीजेपी आनी चाहिए? हाँ जी, योगी सरकार आनी चाहिए। भैया, क्या लग रहा है कौन आएगा? बीजेपी आनी चाहिए हमारे हिसाब से बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल आनी चाहिए बीजेपी। भाई, सारे काम अच्छे कर रखे हैं उन्होंने, गुंडागर्दी खत्म कर दी, और भाई मेन बात तो यही है, सड़कें सारी बेहतरीन कर दी, और क्या जा लो जी। मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो क्या कुछ सुधार हुआ है मुजफ्फरनगर में? भाई मेन चीज तो वैसे मुजफ्फरनगर में ये गुंडागर्दी का ही है सब ज्यादातर, तो बस खत्म हो गया। हाँ, वो खत्म हो गया। क्या लग रहा है अंकल कौन आने वाला है? वो तो बीजेपी आने वाली है। बीजेपी आने वाली है, क्यों आएगी बीजेपी? बीजेपी ये देख लो, बीजेपी आएगी, बीजेपी में बहुत सुधार है, बहुत खुश है सब जो है ना, सब चीज की वो है, बीजेपी गुंडागर्दी नहीं है कुछ, सब तरह से हर आम जनता खुश है, राशन भी मिल रहा, शौचालय भी मिल रहा, सब चीज मिल रही जो है। एक सुर में जो है बीजेपी के समर्थक यहाँ आए, एक महिला मेरे साथ है, उनसे जानते हैं। आंटी, क्या लग रहा है कौन आएगा? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी, क्यों आएगी बीजेपी? बहुत सुविधा है, कैसे ही खुले घूमो, महिला को लेके, महिला सुरक्षा को लेके क्या? हाँ, महिलाओं के लिए तो बहुत फायदेमंद है। अच्छा। किसी बात की भी टेंशन नहीं है, किसी टाइम वाली सभी यानी चैन टूट जाए थी, निकल के जाते बहू हमारी गई, उसकी चैन झपटली फट देसी, चैन तोड़ के ले गई, बहू रहेगी, बेटी दोनों नंद भावज खड़ी रहेगी, और उन्होंने रिपोर्ट करी तो किसी ने भी नहीं सुनवाई करी। तो मतलब मुजफ्फरनगर में दंगाई जो है वो खत्म हो गया, गुंडाराज खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया, महिला सुरक्षा है बहुत ज्यादा है जी। तो और भैया हैं, भैया क्या लग रहा है कौन आ रहा है इस बार? मैम, बीजेपी। बीजेपी आ रही है? जी, 100% बीजेपी आ रही है। मैम, बताइए आपकी, हम पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट की है, ठीक है जी, हमारी सिस्टर है, बहन ने हैं, जिन्हें आने में वो दिक्कत प्रसन्न नहीं थी, आज वह है ना बेझिझक बेसिकल साइकिल पे वर्क करती है, अपना पढ़ाई भी सब कर, कोचिंग कर रही है, आज वे है ना सिनेतरण जाती है, सिनेतरण का आती है। फर्स्ट बात गुंडा कर खत्म है, जिस रोड पर जाते हुए रोड खराब थी, रोड बिंदास है बिल्कुल, साइकिल वाला हो, ट्रैक्टर वाला हो, ट्रोल वाला, बग्गी वाला हो, जाता है 100% बिल्कुल। दूसरी बात, सबसे मेन बात तो यह है कि गुंडा कर दी। दूसरी बात, सब कहते हैं कि भूखे मर रहे हैं, कुछ नहीं मर रहा, कुछ नहीं हो रहा, कि हर महीने में है ना 2 बार रोशन मिल रहा है, फ्री वाला भी है वैसा भी है, ठीक है जी। तो मैम इसलिए चाहिए, क्योंकि ये बताइए कि अगले की सरकार में, योगी सरकार में क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। आम जनता है, आम जनता काम करेगी अपने हिसाब से, कैसे करेगी कि जहाँ इंसान को फायदा होगा वो काम करेगी उस हिसाब से। आप हम सब खुद फायदेमंद है, बेवजह है, बीजेपी ही हमारी है, योगी बाबा जिंदाबाद। मुजफ्फरनगर में है तो सुरक्षा की बात का मुद्दा जो सबसे पहले सामने आता है, महिला है आंटी, क्या लग रहा है आपको कि बीजेपी आएगी? हाँ, क्यों आनी चाहिए बीजेपी? बस सरकार अच्छी है इनकी, सब कुछ अच्छा कर रही है। मुजफ्फरनगर में कितना काम हुआ है महिलाओं को लेके अगर बात करें? महिलाओं को लेके बहुत काम हो रहा है, जैसे भाई खातों में पैसे वगैरह सब डाल दिए, सब की वे कर रही है ये जी। बस राशन वगैरह सब मिल रहा है, मतलब आप बैग
खौफ जो है महिलाएं रोडों पे घूम सकती हैं बीजेपी के नाम। हाँ जी हाँ जी, तो बीजेपी को वोट जाएगा। हाँ जी बीजेपी के जाएगा जी। और कुछ साथी हैं पीछे, उनसे बात करते हैं। अंकल क्या काम कर, बीजेपी बहुत बढ़िया काम करी, हम तो इसके पूरे समर्थक हैं जी बीजेपी के। वो बढ़िया काम कर रही, गुंडागर्दी खत्म। एक तो यहाँ से किसी चीज की दिक्कत नहीं, किसी से आधी रात घूमो किसी समय घूमो कोई परेशानी नहीं है, किसी चीज की ना दिक्कत है कुछ भी, बहुत बढ़िया काम कर रही। तो बाकी कोई पार्टी इस वक्त टक्कर में है या सिर्फ एक तरफा? नहीं एक तरफा इस पे बीजेपी पे जाएगा वोट सबका, हम लोग जितने हैं सब। हाँ और कोई नहीं आने का यहाँ पे मुजफ्फरनगर में भी और यूपी? हाँ यूपी में भी सब जगह जो है बीजेपी है और कोई नहीं आने का यहाँ से। भैया क्या लग रहा है यूपी में कौन आने वाला है? बीजेपी आएगी जी, बीजेपी आएगी। मुजफ्फरनगर में 6 सीटें हैं, क्या लगता है 6 की 6 सीटें बीजेपी आऊंगी? बीजेपी आऊंगी। क्या लग रहा है भैया? बीजेपी आएगी पूरी। क्या कुछ अंकल मुद्दे रहेंगे इस बार? कोई मुद्दा नहीं है, सब ठीक है, कोई किसी कोई दिक्कत नहीं है, ना गुंडागर्दी ना कुछ, सब खुशहाल है। मुजफ्फरनगर की जनता खुश है? खुश है बिल्कुल। पीछे से विधायक को नहीं दे रहे, सीधा योगी को दे रहे सब। योगी विधायक कुछ करो ना करो सीधा योगी के नाम से जा रही वोट। विधायक कोई भी हो मतलब नहीं, लेकिन नाम योगी के नाम पे जा रही वोट, विधायक के नाम से नहीं जा रही। मुजफ्फरनगर की जनता की जो राय थी वो सुनकर शायद आप भी समझ गए होंगे कि मुजफ्फरनगर की जनता की, जनता का जो झुकाव है वो किस तरफ है, किस पार्टी की तरफ है। ज़्यादातर जितने भी एरिए में हम मुजफ्फरनगर के गए हैं सबने जो है एक सुर में बीजेपी का साथ देने की बात कही है। सबसे बड़ा मुद्दा मुजफ्फरनगर में गुंडाराज को लेकर उन्होंने कहा, अपनी बहन बेटियों के लिए कहा कि पहले वो जो निडर होकर नहीं घूम सकती थी, अब वो निडर कहीं भी किसी भी टाइम जो है मुजफ्फरनगर में घूम सकती हैं। पहले जो है इसे क्राइम की कैपिटल कहा जाता था, लेकिन बीजेपी के आने से जो है अब सुधार हुआ है मुजफ्फरनगर में, ऐसा जनता का कहना है। इसलिए जनता जो है बखूबी अब ये जान चुकी है कि कौन उनके लिए ठीक है और कौन नहीं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें किसी और पार्टी की और जनता का झुकाव है या नहीं, तो कुछ ही लोगों का झुकाव जो है वो पार्टी की जनता की तरफ देखने को मिला। खैर ये तो वक्त ही तय करेगा कि आखिर कौन सी पार्टी जो है मुजफ्फरनगर में विजयी रहती है। 6 जो है यहाँ पर सीट हैं, 6 विधानसभा सीट हैं मुजफ्फरनगर में, संसदीय क्षेत्र से कहा जाता है, इसीलिए ये बहुत अहम जो है सीट बन जाती है। लेकिन बात अगर हम करें विधानसभा चुनाव की, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की, तो मुजफ्फरनगर की जनता साफ तौर पर बीजेपी के पाले में बॉल डालती हुई नज़र आ रही है। अब ये तो वक्त ही तय करेगा कि आखिर जनता कौन सा बटन दबाकर किसे विजयी बनाती है और उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में कौन सी पार्टी विजयी होकर सामने आती है। खैर अब जैसे कि हमने आपको बताया कि चुनाव होने हैं, इसी के साथ ही रुझान भी जो है कई जो चैनल्स हैं वो अपने जो हैं ओपिनियन पोल जो हैं एग्जिट पोल जो हैं वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कौन सी पार्टी का झुकाव या जनता किसको पसंद कर रही है जगह जगह जाकर। इसी कड़ी में हम भी जो है यूपी के बहुत सी जगह पर गए, हमने बहुत सी जगहों की जनता से बात की, चाहे वो आगरा हो, मथुरा हो, अलीगढ़ हो, मेरठ हो, ज़्यादातर सभी जगह पर हम गए, हमने बात की और आपको बताया कि इन जगहों की, उत्तर प्रदेश की इन जगहों की जनता की क्या राय है, जनता किसे पसंद कर रही है। इसी कड़ी में हम मुजफ्फरनगर भी आए, मुजफ्फरनगर की जनता से हमने बात की, जाना कि आखिर मुजफ्फरनगर की जनता किसे पसंद कर रही है। तो आप ये वीडियो देख के साफ तौर पर समझ गए होंगे कि मुजफ्फरनगर की जनता किसे पसंद कर रही है। अगर आप मुजफ्फरनगर के हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, मुजफ्फरनगर के ना सही, अगर आप कहीं के भी हैं और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको लगता है और आप राजनीति में रुचि रखते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बननी चाहिए, क्यों बननी चाहिए और कौन सी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश के लिए सही है। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लकवाल, TNB न्यूज़ मुजफ्फरनगर। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।